बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद करती हूँ मैं आपको मेरे YouTube चैनल निकीनास किचन में। आज हम बनाएंगे सब्जी और चावलों का पैनकेक। ये बहुत ही मजेदार और हेल्थी रेसिपी है। चीजें मैं आपको दिखा देती हूँ। एक कप चावल, इनको रात भर गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। दो दत मीडियम साइज के आलू, इनको बॉईल करके मैश कर लिया है। थोड़ा सा बटर, एक ग्लास पानी, सब्जियां सारी जो है रफली कट कर ली हुई हैं। हरी मिर्चें 8 से 10 अदद, एक छोटा पीस पत्ता गोभी, दो मीडियम साइज की गाजरें, एक मीडियम साइज की शिमला मिर्च, एक मीडियम साइज का प्याज, अदरक का 1 इंच का टुकड़ा, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1 चुटकी और 4 टेबलस्पून मैदा प्लेन फ्लावर। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ये बहुत ही मजेदार राइस एंड वेजिटेबल पैनकेक। अब लेंगे एक मिक्सी जार, इसमें ऐड करेंगे चावल। चावलों को हो सके तो पूरी रात के लिए भिगो कर रखें, नहीं तो 3 से 4 घंटे जरूर इनको भिगो के रखना है ताकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाएं। अब इसमें ऐड करेंगे पानी थोड़ा सा। अब इसको चला लेते हैं। चावलों को पीस लिया है अच्छी तरह से, ये देखें। अब इसी में ऐड कर देंगे आलू, क्रीमी टेक्सचर में चाहिए इसलिए इसमें ऐड करेंगे। मिक्सी में थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसे एक बार फिर से चला लेंगे। आलू को भी मैश कर लिया है इस तरह से मिक्सी में डालकर। अब लेंगे एक फूड प्रोसेसर, ये वाला ब्लेड इस्तेमाल करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे सारी सब्जियां, प्याज, अदरक, हरी मिर्चें, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजरें। अब इनको फाइनली चॉप कर लेंगे। सब्जियां फाइनली चॉप कर ली हैं, अब इनको ऐड करेंगे इसी बैटर में। अब इसमें ऐड कर देंगे बेकिंग सोडा, काली मिर्च पाउडर और नमक, इनको मिला लेंगे अच्छी तरह से। और अगर पानी की ज़रूरत पड़ी तो पानी भी ऐड करेंगे क्योंकि हमें इसकी थिकनेस बिल्कुल पैनकेक की तरह चाहिए। पैनकेक का बैटर जो होता है उस तरह हमें इसकी थिकनेस चाहिए। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। डालेंगे अच्छी तरह से और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे मैदा, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब एक फ्राइंग पैन में ऐड करेंगे बटर, चारों तरफ इस तरह से मेल्ट कर लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे बैटर, एक और दो चमचे बड़े वाले। अब इसको स्प्रेड कर लेंगे चारों तरफ। अब इसका लिड बंद करके रखेंगे इसे पकने के लिए लो हीट के ऊपर 4 से 5 मिनट के लिए। अब इसको चेक कर लेते हैं। अब इसकी साइड चेंज कर लेंगे, ये देखो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा पैनकेक एक तरफ से बहुत ही अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब इसी तरह से दूसरी साइड से भी पका लेंगे। अब इसका ढक्कन बंद नहीं करना क्योंकि सब्जियां हमारी पहले ही सॉफ्ट हो चुकी हैं। हमारा राइस और वेजिटेबल पैन दूसरी साइड से भी तैयार हो गया है। अब इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हेल्थी राइस और वेजिटेबल पैन केक तैयार है। राइस और वेजिटेबल पैन केक बहुत ही मजे का तैयार हुआ है। हमने इसको सर्व किया है टमाटर की चटनी के साथ। इसकी भी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये डिश आपको जरूर पसंद आई होगी।